हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है तुम सभी का एनमे 7 में। एंड आज हम करने जा रहे हैं फेट स्टे नाइट हेवन फील्स एनिमे का रिव्यू। सो देखो, फेट सीरीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ज्यादा लॉन्ग सीरीज है। एंड इस सीरीज में बहुत डिफरेंट एनिमे हैं, इसलिए लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि पहले कौन सा सीजन देखें। एंड फेट सीरीज की अपनी खुद की यूनिवर्स है जिसे नासेवर्स कहा जाता है। फेट सीरीज एक ऐसा एनिमे जिसे लोग पसंद करते हैं उसकी एनिमेशन एंड उसके वैरायटी ऑफ वाइफूस की वजह से। एंड मेरी फेवरेट सेबर है। तुम लोग अपनी फेवरेट वाइफूस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड इसके अलावा फेट सीरीज अपने डायलॉग्स के लिए भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हैं जो कि एनिमे में कभी भी सेंस नहीं बनाते। सो अब आते हैं पॉइंट पे कि हेवन फील्स ही क्यों। मैं फेट के और किसी सीरीज के ऊपर भी वीडियो बना सकता था, और जबकि हेवन फील तो सबसे लास्ट में आता है। सो आखिर मैं इसके ऊपर रिव्यू क्यों बना रहा हूँ। सो रिसेंटली मैंने एक बहुत फेमस इंग्लिश एनीट्यूबर की वीडियो देखी, जिस वीडियो में वो हेवन फील के ऊपर बात कर रहा था। एंड वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसी चीजों के बारे में पता चला जो कि मैंने एनिमे देखते वक्त कभी नोटिस ही नहीं की थी। एंड उसके बाद से ही मुझे रियलाइज हुआ कि एनिमे को लेके मेरी अंडरस्टैंडिंग की लेवल कहाँ पे है। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिली कि मैं हेवन फील के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, बिकॉज पूरी फेट सीरीज में हेवन फील एक ऐसा एनिमे है जो कि मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है। शुरुआत में मैंने पूरी फेट सीरीज को बस उसके एनिमेशन की वजह से देखा था। एंड उस एनी ट्यूबर की वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ स्पेसिफिक करेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। एंड मुझे पता चला कि उन करेक्टर का माइंड सेट क्या है या फिर वो सोचते किस तरीके से है। बिकॉज जब भी मैं कोई एनिमे देखता हूँ तो मैं इन चीजों के बारे में कभी भी नहीं सोचता कि करेक्टर क्या सोच रहे हैं या फिर जिस प्रॉब्लम में वो फंसे हैं उस टाइम उन्हें कैसे थॉट्स आते हैं। एंड ये वीडियो एक सिंपल रिव्यू होने वाला है, इसमें मैं कुछ इन डेप्थ बात नहीं करूंगा। बट अगर तुम लोगों को करेक्टर्स के बारे में ज्यादा समझना है हेवन फील की, सो ये जो वीडियो की लिंक है तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कुछ करेक्टर्स के माइंड सेट और उनके ओपिनियंस। सो अगर तुम लोगों को डीप साइकोलॉजिकल बातें करना पसंद है तो मे बी तुम लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। हेवन फील में तीन मूवीज हैं, जिन तीनों मूवीज में सेम स्टोरी को फॉलो किया गया है। सो एनिमे में हर 40 साल में होली ग्रेल वॉर होती है, जिसमें 7 मास्टर एंड 7 होली स्पिरिट्स को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद मास्टर्स एंड होली स्पिरिट्स को दो दो की टीम में डिवाइड किया जाता है। एंड उसके बाद शुरू होती है होली ग्रेल वॉर। होली ग्रेल वॉर जीतने वाले इंसान को मिलती है होली ग्रेल, जिसकी वजह से वो अपनी कोई भी एक विश को पूरी कर सकता है। ये जो प्लॉट तुम लोगों ने अभी सुना, ये प्लॉट हर फेट सीरीज में होता है। एनिमे में हर किसी के पास अपने खुद के रीजंस है होली ग्रेल वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसलिए एनिमे में कौन गलत है या फिर कौन सही है, ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी। एंड ये जो चीज है ये अकेली हेवन्स फील के अंदर नहीं है, फेट की कोई भी सीरीज उठा के देख लो, हर एक के पास अपने रीजंस होते हैं होली ग्रेल वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। हेवन्स फील सीरीज में जो मेन हीरोइन है वो है साकुरा। पूरी फेट सीरीज में पहली बार साकुरा के करेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है। एंड साकुरा का करेक्टर एनिमे में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एक बार में ये करेक्टर किसी को भी समझ में नहीं आता है। बट मेरी मानो, एनिमे के अंदर साकुरा का करेक्टर बहुत ज्यादा लविंग है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। एंड जितना तुम इस करेक्टर के बारे में जानने लगोगे, इसके पास्ट के बारे में, इसके थॉट्स के बारे में, उतना ही तुम इस करेक्टर को पसंद करोगे। बिकॉज साकुरा ने शुरुआत से ही दूसरों की खुशी के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस दिए हैं। एंड यही चीज फेट सीरीज को किसी भी एनिमे से अलग बनाती है, बिकॉज हर किसी के पास रीजन होता है अपनी लाइफ में फाइट करने का, जो कि ये एनिमे बहुत अच्छे से दिखाता है। एनिमे में करेक्टर की अंडरस्टैंडिंग से लेके उसके करेक्टर डेवलपमेंट तक इस एनिमे में हर चीज परफेक्ट है। एंड अगर तुम लोग मेरी तरह हो तो शुरुआत में ये चीजें तुम लोगों को समझ भी नहीं आएंगी, बट सारी की सारी चीजें एनिमे के अंदर हैं। बस तुम्हें अपना नजरिया चेंज करना है या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेंज करना है, जो कि बाय द वे मैं भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। सो अब आते हैं एनिमे के मेन पार्ट के ऊपर, एनिमे के मेन रिव्यू के ऊपर, जो कि है एनिमेशन। आज तक मैंने जितने भी एनिमे देखे हैं, जितनी भी एनिमेशन देखी है, इस एनिमे की एनिमेशन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है। बिकॉज
एनिमे के फील्ड के अंदर फेट सीरीज बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एनिमे के अंदर हर एक डिटेल को ऐड कर रखा है एंड इसकी एनिमेशन मुझे इसलिए भी पसंद आई है बिकॉज इसको मेरे फेवरेट स्टूडियो ने एनिमेट किया है जो कि है यूफो टेबल। इस एनिमे का एनिमेशन का बजट बहुत ज्यादा हाई था। बजट का अंदाजा तुम इसकी एनिमेशन देख के लगा सकते हो बिकॉज एनिमे के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। एंड अगर तुम लोग ये मूवीज देखने वाले हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम इसे हाई क्वालिटी में देखो बिकॉज जब तुम इसे हाई क्वालिटी में देखोगे तो एनिमे का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए। देखो फेट सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसको मैंने दिल से एंजॉय किया है बिकॉज फेट सीरीज के अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि मैं किसी एनिमे से एक्सपेक्ट करता हूँ। एनिमे के कैरेक्टर्स, उसका प्लॉट, उसका म्यूजिक एंड उसका एनिमेशन, इस एनिमे में हर चीज परफेक्ट एंड वो सारी ही चीजें थी जो कि मैं एक एनिमे के अंदर पसंद करता हूँ। सो अगर तुम लोगों ने फेट की कोई भी सीरीज नहीं देखी है बट तुम लोगों को हेवंस फील सबसे पहले देखना है सो तुम हेवंस फील को बिना किसी प्रॉब्लम के सबसे पहले देख सकते हो। तुम्हें सारी सीरीज कंप्लीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज अगर तुम लोगों ने मेरी यहाँ तक वीडियो देख ली है तो यकीनन तुम लोगों को इस एनिमे का प्लॉट पता होगा एंड अगर तुम लोगों को प्लॉट पता है तो ज्यादा कुछ जानने की और जरूरत नहीं है इस एनिमे के बारे में। तुम लोग टोटली क्वालिफाइड हो हेवंस फील सीरीज देखने के लिए एंड हेवंस फील सीरीज देखने के बाद फेट सीरीज में जितनी भी सीरीज हैं जो कि यूफो टेबल ने एनिमेट की हैं वो भी तुम लोग जाके देखो बिकॉज ये कुछ गिनी चुनी ऐसी सीरीज हैं जो कि तुम लोगों को बार बार देखने को नहीं मिलती। तो इस एनिमे को या फिर इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय करो और अगर तुम लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दो। मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम 300 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हमारे 300 सब्सक्राइबर कराओ। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए एनिमे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।